आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेलुगु टाइटन किन चार प्लेयर को कर सकती है रिटेन। तो जानने के लिए आप क्या कीजिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और आप जान जाएंगे तेलुगु टाइटन किन चार प्लेयर को कर सकती है रिटेन। आप सबको पता ही होगा किस बार हमें मिनी ऑक्शन देखने के लिए मिलेगा, इसलिए सभी प्लेयर ज्यादा से ज्यादा प्लेयर रिटेन करेगी सीजन 7 में। तो बात करेंगे तेलुगु टाइटन किन चार प्लेयर को कर सकती है रिटेन, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर बात करें पहले नंबर पर कौन है प्लेयर जिसे तेलुगु टाइटन्स कर सकती है रिटेन, तो वो है विशाल भरद्वाज, जिसे कर सकती है रिटेन तेलुगु टाइटन्स। अगर बात करें उनका सीजन 7 में कैसा प्रदर्शन रहा था, इनका प्रदर्शन बहुत ही ज़्यादा खराब था। स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आखिरी के कुछ मैचेस में इनका प्रदर्शन बहुत ही खराब चल गया। आशा करते हैं कि सीजन 7 में ये अच्छा प्रदर्शन करें। चलिए नज़र डालते हैं दूसरे नंबर पर कौन है प्लेयर जिसे तेलुगु टाइटन्स कर सकती है रिटेन, तो वो और कौन ही, वो है राहुल चौधरी, जिसे रिटेन कर सकती है। इसे तो ज़रूर ही रिटेन करेगी, लेकिन इनका सीजन 6 बहुत ही खराब रहा और ये लास्ट के कुछ मैचेस में अच्छा के लिए और बीच के मैचेस इनके लिए बहुत खराब थे। तो चलिए नजर डालते हैं तीसरे नंबर पर कौन है प्लेयर जिसे तेलुगु टाइटन्स कर सकती है रिटेन, तो वो है अबुजार निगानी, जिसे कर सकती है रिटेन। और इनका भी सीजन 6 कुछ खास नहीं गया। इस टीम में किसी भी प्लेयर ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया सीजन 6 में। आशा करते हैं कि सीजन 7 में ये सारे प्लेयर अच्छे खेले और चैंपियन बने। तो चलिए नजर डालते हैं चौथे नंबर पर कौन है प्लेयर। उससे पहले मैं एक आपको बात बता दूं, कबड्डी मलाई का स्टार्ट होने वाला है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, जाके वो सारे वीडियो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया। अगर और मलाइका कबड्डी वर्ल्ड कप के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, मैं और वीडियोस बना दूंगा कबड्डी मलाइका के बारे में। तो चलिए बात करते हैं चौथे नंबर पर कौन है प्लेयर जिसे तेलुगु टाइटन कर सकती है रिटेन। चौथे नंबर की बात करें तो वहाँ पर तीन ऐसे प्लेयर हैं जो इस लिस्ट पर जगह बनाते हैं, इनमें से कौन होगी आप ही बताइए मुझे कमेंट में। मुझे लगता है फरहाद मिला गर्दन हो सकते हैं, आपको क्या लगता है कौन होंगे, जाइए कमेंट में बताइए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत। और यहाँ पर बॉक्स में आपको चार वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, उन चारों वीडियो में से किसी एक वीडियो को क्लिक करके दूसरे वीडियो पर चल जाइए, वो भी वीडियो को वॉच कर लीजिए। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।